Hello all my lovely students. Now before we start this particular act that is PFRDA, jisko hum bolte hain Pension Fund Regulatory and Development Act 2013, let me ask you all a very basic question. Mujhe ek baat batayega, what do you call a person who is happy on a Monday? Usually what happens with me, main aapki baat nahi karungi, par mere saath kya hota hai, jaise hi mera weekend end hota hai na, thoda sa depression aata hai, oh Monday morning again. Although there is nothing so exciting about my weekends, but still. तो ऐसा कौन होता है जिसके लिए मंडे भी बहुत हैप्पी होता है? Well, that particular person is a retired person. After retirement, क्या संडे क्या मंडे? हर दिन क्या है? फन डे, राइट? सो वो हमारा रिटायरमेंट होता है. बट इस रिटायरमेंट को फन बनाने के लिए, इस रिटायरमेंट को हैप्पी बनाने के लिए वी नीड certain things, time. But time तो हमारे पास abundance में होता है. So it's not just time that we need, time तो है ही है, but कुछ और भी चाहिए. वो कुछ और क्या है? आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उन्हें भी एहसास होगा. आज नहीं तो कल उन्हें भी एहसास होगा क्या होगा बुढ़ापे में जब पैसा ना पास होगा. मुस्कुराने वाली नहीं सोचने वाली बात है. इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न विच आवर गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस. गवर्नमेंट भी ये बात समझती है और इस बात की गहराई को समझती है कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू सेव फॉर फ्यूचर, टू सेव फॉर आवर रिटायरमेंट. माई डियर, दिस पर्टिकुलर एक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2013, का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है. का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है. अगर आप अपने नोट्स खोल सकते हैं तो आप उसमें देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड. बस बात सुनते जाओ, नथिंग सो टेक्निकल. बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक्ट है, बट वी नीड टू एस्टैब्लिश द बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट फर्स्ट, दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्ट. वी हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. हमारे पास हमारे रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है. आज मैं कमा रही हूं, क्या गारंटी है कि कल भी मैं कमाऊंगी? आज मैं जॉब कर रही हूं, सी इन केस ऑफ बिजनेस देयर इज नो रिटायरमेंट एज, बट स्टिल देयर इज a certain degree of health that doesn't allow you to work beyond a certain age, है ना? तो business कर रहे हो, job कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, after a certain point of time, your inflows tend to stop. That is true. आपके investment से आपको पैसा आता है वो अलग बात है, ठीक है? मतलब मैंने इतनी FD करा दी, उसका मुझे interest आ रहा है, वो भी क्या है मेरे लिए retirement? ऐसे तो बहुत ऑप्शंस हैं. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू सिक्योर योर रिटायरमेंट. अगर आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, आपकी महीने की सैलरी में से, हर महीने की सैलरी में से कुछ परसेंटेज जा रहा है आपके प्रोविडेंट फंड में. क्या है, किस लिए है? रिटायरमेंट के लिए है. यू गेट ग्रेच्युटी जब आप रिटायर करते हो, जब आप जॉब छोड़ते हो. क्या है, क्यों मिल रहा है? रिटायरमेंट के लिए मिल रहा है. तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट, एंड इस पर्टिकुलर एक्ट में आखिर हम पढ़ते क्या है? नाम से इतना तो समझ में आ रहा है, पेंशन फंड. पेंशन फंड को रेगुलेट करना और डेवलप करना इस एक्ट का काम है. पेंशन फंड को क्यों रेगुलेट करना है, क्यों डेवलप करना है, किसके फायदे के लिए करना है? देखो, इनिशियली जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, या एक्चुअली इसका जो फॉर्मेशन है या जो एग्जिस्ट है, इट डेट्स बैक टू 2003, बट आप एक्ट में देख रहे होगे 2013, एंड एक्चुअली इट केम इनटू फोर्स, मतलब इट वाज नोटिफाइड इन 2014. तो आइडियली 2014 फरवरी से ये एक्ट हमारी चल रही है, और इसके अंदर के जो फंड्स हैं वो रेगुलेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं. पर ये है कंसेप्ट बहुत ही पुराना, ठीक है? इनिशियली अगर हम बात करें तो इट वॉज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपना एक तरीका चाहते थे. पर लेटर ऑन क्या हुआ, इट इज ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स. आई एम नॉट इवन सेइंग एम्प्लॉयज, इट इज ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है? तो आप वॉलंटरली इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब देखो पूरा पर्पज क्या है,
कैसे हम पूरा पेंशन फंड ऑपरेट करता है, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में आप समझो, बेसिक समझो तो क्या होता है। मान लीजिए सपोजिडली, डोंट गो बाय माय फिगर्स, ये कम ज्यादा कुछ ऐसे एस्टिमेट नहीं करना, सपोजिडली मैं बहुत एक 50,000 अ मंथ सपोजिडली आई एम अर्निंग, ठीक है। अब मेरा ये सोचना है दैट आई नीड 30,000 फॉर माय एक्सपेंसेस एंड 20,000 इज समथिंग दैट आई कैन सेव, ठीक है, एंड आई वांट दिस 20,000 टू बी सेव्ड फॉर माय रिटायरमेंट। तो मैंने क्या किया, हर महीने मैंने क्या किया, ये नेशनल पेंशन फंड, एक मैं आपको भी नहीं बता रही हूं क्या होता है, कितना परसेंट होता है, क्या होता है, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रक्चर कि कैसे ऑपरेट करता होगा, बस ये समझो पहले। तो मैंने क्या किया, एक फंड है उसमें मैं पैसे डालती गई। हाउ डू यू सेव एट होम, या फिर इफ यू डेट बैक टू द ओल्ड टाइम्स, कैसे सेव करते थे, गुल्लक, पिगी बैंक, राइट, उसमें क्या करते हैं, हम डालते जाते फॉर सम एडवर्सिटी कि हाँ अच्छा, जैसे हिंदी मूवीज में होता है, बॉलीवुड फिल्म्स में होता है कि अच्छा माँ बीमार पड़ गई, अब क्या करें, गुल्लक तोड़ते हैं और फंड्स निकल जाएंगे, बहन की शादी करनी है, क्या करें, गुल्लक तोड़े और फंड्स निकल जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी सेव, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हम फंड्स डालते जा रहे हैं। नाउ वी आर स्मार्ट पीपल, हम लोग क्या है, स्मार्ट है, उनके तरह नहीं है, ठीक है, नहीं, हिंदी मूवीज से वी आर स्मार्टर, ऑफकोर्स वी आर स्मार्टर देन बॉलीवुड फिल्म्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फंड्स को आइडल नहीं रखेंगे। गुल्लक में क्या हो रहा है, 10 डाले 10 के 10 ही रहेंगे, 10 साल बाद भी देखोगे तो भी, बट वी डोंट वांट दैट। हम अगर अपने फंड्स कहीं पे डाल रहे हैं, वी वांट देम टू इंक्रीज। अब क्यों पेंशन फंड मैम, व्हाई नॉट सम FD, व्हाई नॉट, इफ यू हैव फंड, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन, इट इज बिकॉज ऑफ दी डिसिप्लिन। अगर मैं घर में पैसे रखूंगी, सपोजली इस महीने मैंने निकाल दिए 20,000 और मैंने कहा ये तो ना मैं सेफ रखूंगी फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज, अगले दिन मुझे 20,000 की जरूरत पड़ी, अरे अगले महीने निकाल देंगे, वो 20,000 निकल गए। सो गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन टेंडेंसी इज, और वो चाहते हैं आपको शायद अपने रिटायरमेंट की फिक्र नहीं होगी, हमें है। So, गवर्नमेंट ने आपके लिए प्लान बनाया, गवर्नमेंट ने आपके लिए ये सिस्टम बनाया, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन फंड। अब इसने आपको करना क्या है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट, वी आर स्मार्ट सो इट विल इंक्रीज। ये जो हमारे फंड्स होते हैं, मैंने 10 रुपए डाले, आपने 10 रुपए डाले, इसने 10 रुपए डाले, सबने डाले, कितने फंड्स हो गए, इन फंड्स को इन्वेस्ट किया जाएगा, वो इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट जुड़ेगा ना उसका, ठीक है, funds are invested somewhere, the price will increase, है ना। और अब आप करते जाओगे, when your retirement age comes, supposedly 60 years, उसके बाद आपने बोला कि हर महीने मुझे 50,000 रुपए चाहिए, so plan वैसा आपका बन जाएगा, depending upon your needs, annuity plan, you understand, I'm sure finance आपने पढ़ा होगा और आपको annuity समझ में आता होगा, right? रिकरिंग नेचर की जो, हाँ, तो हर महीने क्या है, मुझे 50,000 चाहिए, सो अब मेरे इतने फंड्स हैं, मुझे हर महीने 50,000 मिलता जा रहा है, मेरा रिटायरमेंट स्मूथ चल रहा है, दैट इज व्हाट माय नीड वाज, और अकॉर्डिंगली मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके इस हिसाब से प्लानिंग की कि मेरे रिटायरमेंट के समय मुझे 50,000 रुपए महीना मिले व्हेन आई स्टॉप अर्निंग। सो दैट इज हाउ द होल स्कीम इज। मैं आपके साथ एक चार्ट बना रही हूँ, मतलब मैं एक चार्ट बना रही हूँ, यू आर गोइंग टू कॉपी इट, और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट को सेक्शन बाय सेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज प्रिपेयर दिस चार्ट विद मी, द ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट।
पहले आप इतना ड्रॉ कीजिए एंड आफ्टर एक्सप्लेन दिस मच उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे. वंस यू आर डन जस्ट लेट मी नो. I hope it is visible to all. I've opened the bracket. I haven't closed it actually. Retirement plans can be pension and it can be other than pension also. Pension की अगर हम बात करें that is not our concern. अगर हम pension की बात करते हैं तो काफी सारी insurance companies वगैरह भी हैं जो banks भी हैं जो offer करते हैं आपको pension schemes. आप उसके लिए भी opt कर सकते हो और एक national pension scheme तो है ही which is regulated by this particular act. तो इस act का काम क्या है? इस एक्ट का काम है कि हम ओल्ड एज सेविंग्स को प्रमोट करें, ओल्ड एज की ओल्ड एज को सिक्योर करें. रादर किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं? बाय डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग दीज पेंशन फंड्स. ओके, अब ये एनपीएस क्या है? इट इज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. दिस इज कंट्रीब्यूशन. सो इट इज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. ये पीओपी है, दैट इज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस. Financial institutions, banks, NBFC. This is PRA, personal retirement accounts. This is CRA, Central Record Keeping Agency, which is NSDL, maintains data and records. Fund manager currently 8 invest. Clear hai? Chalo. Ab zara samajhte hain ki ye pura process kya hai. Theek hai? And how it functions. How it functions. सबसे पहले माय डियर लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम. नेशनल पेंशन सिस्टम इट इज डिफाइंड इन द एक्ट एंड इट मीन्स द कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम वेयर बाय कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अ सब्सक्राइबर. Supposedly, I have subscribed, whereby contributions from a subscriber are collected and accumulated in an individual pension account using a system of points of presence, a central record keeping agency and pension funds as may be specified by regulations. So, देखो इसमें तो कुछ नहीं लिखा है. ये क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम है. पूरा का पूरा क्या सिस्टम है? जहां पे कंट्रीब्यूशन आप कलेक्ट करते हो वो रिकॉर्ड होता है और फंड मैनेजर के पास जाता है, इन्वेस्ट होता है. अब ये लोग कौन है? बहुत नए नए टर्म्स लग रहे हैं. पॉइंट ऑफ प्रेजेंस. पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और कोई नहीं है. मैं हूं, मैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस नहीं हूं, पर मैं हूं जिसको अपने फ्यूचर की आज अचानक से बहुत ज्यादा चिंता हो गई. आपको पढ़ाते पढ़ाते आई रियलाइज दैट आई डोंट हैव एनपीएस. ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक एनपीएस खोलना चाहिए. ठीक है, मुझे भी अपने ओल्ड एज के लिए सोचना चाहिए. नाउ व्हाट विल आई डू? मैं क्या कर सकती हूं? कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? हाउ एम आई गोइंग टू अप्रोच? मैं देखूंगी कि मेरे पास पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कौन है. मेरे पास पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कौन है? मेरे नियर बाय कौन है जहां जाके आई कैन गेट दिस पर्टिकुलर अकाउंट, पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट? तो बैंक्स, इट कैन बी एनबीएफसी, इट कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट कैन बी बैंक्स. देखो सबका अपना प्रोसीजर है. पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हो या ये एजेंसी हो, फंड मैनेजर हो, कोई भी हो, आप लोगों को सर्टिफिकेट लेना होता है. ठीक है, रजिस्टर कराते हैं, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं. सो इफ यू हैव दैट, यू हैव पॉइंट ऑफ प्रेजेंस. तो अब मैं कहां गई? मैं गई बैंक के पास जो कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है. ठीक है, मैं गई. अभी आपको सब समझ में आएगा, अभी बस एक स्ट्रक्चर मिल रहा है. मैं गई बैंक के पास जो कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है. मैंने उनको बोला कि मैं पर इतना परसेंटेज पर मंथ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूं टुवर्ड्स माय एनपीएस, काइंडली ओपन माय अकाउंट. उन्होंने क्या किया? एक मेरा पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट खोला. ठीक है, अब ये पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट मैंने सपोजेडली करोलबाग में खुलवाया. मैं करोलबाग के एक बैंक में गई. ठीक है, जो है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, वहां पे मैंने खुलवा लिया. नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये कैसे जाने वाला है, कैसे मेरे फंड्स यहां से उठ के वो पेंशन फंड के पास जाएंगे, कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे, कैसे मुझे वापस मिलेंगे, कुछ होना चाहिए ना. सो फॉर दैट यू हैव अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी विच इज नथिंग बट एनएसडीएल. एनएसडीएल तो आपको पता होगा. तो ये जो डिपॉजिटरी है यही क्या काम कर रही है?
It is only performing the functions. ये क्या है? It is हाँ, डिपॉजिटरी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, राइट? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करना. अब ये जो मेरा डेटा है कि मेरे इस अकाउंट में 100 फिर 100 फिर 100 इतने स्टोर हुए, दिस इज बीइंग गिवन टू द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो कि सारा का सारा डेटा और रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं. ये रिकॉर्ड वो किसको देते हैं? वो देते हैं फंड मैनेजर को. फंड मैनेजर को. कौन है फंड मैनेजर? मैं बन सकती हूँ फंड मैनेजर? मैम अगर एलिजिबल है, वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है तो बन सकती हूँ? नहीं. दीज आर ऑल कंपनीज. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो LIC पेंशन फंड लिमिटेड, HDFC, ICICI, ठीक है. सो इनके जो पेंशन फंड लिमिटेड बनी हुई है एंटिटीज, सो करेंटली देर आर 8 एंटिटीज वो रिकॉग्नाइज एज फंड मैनेजर. अब ये लोग क्या करते हैं? इनको पेंशन फंड से इतने पैसे मिले हैं, ये क्या करेंगे? उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट करके दे गारंटी यू सर्टेन रिटर्न. ठीक है, दे गारंटी यू सर्टेन रिटर्न. अब ऐसा नहीं है कि जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, नहीं, उसके लिए भी आपको चीजें दी हुई हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग. ओके, सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी. दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी. आपको पैसे इन्वेस्ट कर, आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं, ऑब्वियसली वो पैसे बढ़ते हैं, और जब आप रिटायर होते हो तो ये पैसे आपको इसी अकाउंट के थ्रू मिल जाते हैं. डू गेट दैट? समझ में आया? इन लोगों का रोल भी समझ में आया? अब ये एलियन जैसे तो नहीं लग रहे, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, CRA, POP, CRA, POP तो हमें क्या समझ में आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा. पॉइंट ऑफ प्रेजेंस अभी हम देखते हैं धीरे धीरे हाउ दी होल थिंग इज गोइंग टू अनफोल्ड, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई NPS? NPS के क्या फायदे हैं? NPS के देखो बहुत सारे फायदे होते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल कैसे मैम? हाउ इज इट फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल ऐसे होता है, मुझे ये फंड मैनेजर नहीं ठीक लगता, आई कैन चेंज द फंड मैनेजर. मुझे लगता है कि मैं जो पैसे कंट्रीब्यूट कर रही हूं, ऑल दीज शुड बी इन्वेस्टेड इन 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इट कैन बी डन, इट कैन बी डन. सो इट इज डेफिनेटली फ्लेक्सिबल. ठीक है, रेगुलेट हो रहा है आपका इस सेंट्रलाइज्ड एक्ट से, तो एकदम क्लियर कट आपको गिवन नॉर्म्स हैं, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो. ठीक है, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, सो इट इज डेफिनेटली मोर ऑथेंटिक, इट इज डेफिनेटली मोर रिलायबल. और पोर्टेबल होता है, दैट मीन्स इट इज अवेलेबल अक्रॉस वेरियस लोकेशंस. और जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, इसके बाद का मैं भी आपको बताती हूं, तो आप मेरी बात सुनिएगा. इसमें दो अकाउंट होते हैं, इसमें दो अकाउंट होते हैं. सबसे पहले आपका एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जैसे पैन होता है ना, जैसे आपका यहाँ पे परमानेंट ये पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट खुल रहा है, सो एक आपको नंबर अलॉट किया जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट. ठीक है, सो आपका ये अब क्या हो गया, एक यूनिक नंबर रहेगा, और जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक ये नंबर रहेगा. सो थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू हैव दिस नंबर. ओके, दो टीयर्स अकाउंट होते हैं. ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात. मैंने इस पर्टिकुलर फंड में पेंशन फंड, फंड क्या होता है, पेंशन फंड, फंड में मैंने कंट्रीब्यूट किए सपोजिडली 50,000 रुपए. अब क्या हो गया, मेरे घर पे मेरी छोटी बहन की शादी है, मुझे क्या चाहिए, वो फंड्स चाहिए. व्हाई आई नीड इट? क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन की शादी करनी है. नो, आई डोंट हैव एनी यंगर सिबलिंग. सारा इंटरेस्ट तो इन्हीं चीजों में आता है. मुझे क्या करना है, एक छोटी बहन की अपनी शादी करनी है, तो अब मुझे क्या करना है, वहां से फंड्स विड्रॉ करने हैं. कैन आई? अगर ये मैं कर सकती तो क्या वो पेंशन का जो पर्पस है वो पूरा हुआ? नहीं. अगर यही डिसिप्लिन लाना है तो ये डिसिप्लिन तो मैं घर में भी ला सकती हूँ और बैंक में भी पैसे जमा करके ला सकती हूँ, कभी भी विड्रॉ कर लो, कभी भी डाल लो. नहीं, सो ऐसा नहीं होता है, ऐसा
नहीं होता है, द अमाउंट दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग इज डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स, टियर वन एंड टियर टू. अब टियर वन अकाउंट में क्या है, इट इज नॉन विथड्रॉएबल, दैट मीन्स आप उसमें से फंड्स को विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है. और सेकेंड वाले में से आप विथड्रॉ कर सकते हो, मतलब जब भी एज पर योर नीड्स. सब्सक्राइबर, हम यहाँ पे सब्सक्राइबर किसको बोल रहे हैं, एनीवन हैज हु हैज सब्सक्राइब टू द नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है. अगर मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने फंड्स कंट्रीब्यूट किए हैं, तो आई एम दी सब्सक्राइबर. तो सब्सक्राइबर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली टियर टू अकाउंट में से निकाल सकता है. अब पॉइंट ये है, मैंने 50,000 रुपए जमा किए, उसमें से कुछ पोर्शन टियर टू अकाउंट में जाता है, वो विड्रॉएबल होता है, एंड दिस इज नॉन विड्रॉएबल, दिस इज नॉन विड्रॉएबल, ठीक है. एक्सेप्ट ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे भी ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फंड आप निकाल सकते हो, तब भी क्या होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन एन्यूटी प्लान. कुछ अमाउंट आपको मिल जाता है, कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना होता है टू एन एन्यूटी प्लान. एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय रेगुलेशंस, यू डोंट हैव टू रीड दोज रेगुलेशंस इन डेप्थ, ठीक है. बट एन्यूटी प्लान में कन्वर्ट होगा, मतलब आपको मंथली बेसिस पे, जो मेन पर्पज था कि कभी भी आपको फंड्स की ऐसे प्रॉब्लम ना हो. बागबान देखिए, काफी पुरानी पिक्चर है, अमिताभ बच्चन की एक मूवी है बागबान, वन ऑफ माय फेवरेट्स. उस पर्टिकुलर मूवी में प्रॉब्लम क्या हुई थी या कहां से स्टार्ट हुई थी, मिस्टर अमिताभ बच्चन, उन्होंने क्या किया था, अपना सारा फंड विड्रॉ कर लिया था, अपना सारा फंड विड्रॉ कर लिया था, एंड ही वॉज लेफ्ट विद नो मनी फॉर हिज रिटायरमेंट. So, भगवान ना करिए आपको ऐसा दिन. सो स्टार्ट सेविंग अर्ली, एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दीज टाइप ऑफ स्कीम्स, स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, ओके. सो ये काफी सारे एडवांटेजेस हैं जो एनपीएस के अंदर होते हैं. नाउ लेट्स come to the act, the main sections. Section 20, we'll complete this. Section 20, National Pension System. Section 20, National Pension System. अब इसके फीचर्स को हम लोग एक एक करके रीड करते हैं. वी विल रिलेट टू दिस पर्टिकुलर. मैंने कहा आपको छोटी सी प्यारी सी एक्ट है, नथिंग मच टेक्निकल, बस आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है. Every subscriber, now who is a subscriber? I've already told you that. Every subscriber shall have an individual pension account under the National Pension System. So, हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक individual pension account होता है. Withdrawals not exceeding 25% of the contribution made by the subscriber may be permitted from the individual pension account subject to the conditions such as purpose, frequency and limits as may be specified by the regulations. So this particular investment is done and ये जो आपका pension fund होता है, ये क्या होता है, basically इसमें से समझ लीजिए 25% इधर जाता है and this is withdrawable. This you can withdraw, but subject to terms of regulation. Subject to terms of regulations. This is non-withdrawable. मतलब आपने जितना भी इस पर्टिकुलर फंड में कंट्रीब्यूट किया उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हो, 25% भी विड्रॉ कर सकते हो, उसमें भी आपकी लिमिट्स हैं. ऐसा नहीं कि हर जैसे ही मतलब वो होता है वैसे ही हम विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली हम कर रहे हैं, नहीं. आपका पर्पस क्या है, सो एवरीथिंग दैट इज स्पेसिफाइड, हमको रेगुलेशन को फॉलो करके उसके बाद क्या करना है, विड्रॉ कर सकते हैं. The functions of record keeping, accounting and switching of options by the subscriber shall be effected by central record keeping agencies. सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से. The functions of record keeping मतलब record रखना, book keeping क्या होता है, books maintain करना, records maintain करना, accounting,
अकाउंट फॉल करना, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, स्विचिंग ऑफ ऑप्शंस, ये क्या है? मैंने आपको बताया कि एनपीएस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, राइट? एनपीएस क्या है? फ्लेक्सिबल है. दैट मींस आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर फंड मैनेजर, आई वांट टू स्विच टू दिस पर्टिकुलर फंड मैनेजर. आई वांट ऑल माय इन्वेस्टमेंट टू स्विच टू दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज. तो ये जो स्विचिंग ऑफ ऑप्शंस है, मैं तो इंटीमेट नहीं कर रही हूं ना इनको. हाउ इज इट गोइंग? इट इज गोइंग थ्रू दिस एनएसडीएल. जैसे आपने अपना डीमैट अकाउंट देखा है ना, डीमैट अकाउंट, आपके शेयर्स कहां होते हैं? इस डिपॉजिटरी पे ही तो होते हैं, डीमैट फॉर्म में. हम इधर से वो करते हैं, वो सारे शेयर्स हमारे इधर से उधर हो जाते हैं, राइट? सो लाइकवाइज यहां पे भी क्या हो रहा है, ये जो सब्सक्राइबर है ये इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है? और ये काम कौन करता है? सीआरए करता है. हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारा ये स्विच कर दो, उन्होंने कर दिया. हमने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि इतना फंड्स हमने और क्रेडिट किया, बढ़ा दिया, इन्होंने कर दिया. दे आर गोइंग टू कीप रिकॉर्ड्स, दे आर गोइंग टू अकाउंट फॉर एवरीथिंग. उसका काम कौन कर रहा है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. देयर शैल बी अ चॉइस ऑफ मल्टीपल पेंशन फंड्स एंड मल्टीपल स्कीम्स. सो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, और सब्सक्राइबर के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो आप चाहे तो 100% अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकता है. और द सब्सक्राइबर सीकिंग मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न्स शैल हैव एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट हिज फंड्स इन सच स्कीम्स प्रोवाइडिंग मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न्स एज मे बी नोटिफाइड. ठीक है, सो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मिनिमम assured returns. Clear? चलो अगला है, portability of individual pension accounts in case of change of employment. जैसे lifetime के लिए आपको एक ही account number मिल जाता है, ठीक है? अब आज मैं इस particular job में हूं, मैं चाहती थी मेरी salary का 10% NPS में जाए, तो it was going, right? हर महीने क्या होता था, मेरा 10% कंट्रीब्यूट हो जाता था एनपीएस में. अब जॉब मैंने चेंज कर दी, अब मैंने क्या किया, जॉब चेंज कर दी, अब मेरे अकाउंट का क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद माय एनपीएस? सो इट इज नेशनल पेंशन स्कीम, इट इज अ पोर्टेबल सिस्टम. ये अगेन एक एडवांटेज है, ठीक है? सो आपका ये यहां से वहां चला जाएगा. पोर्टेबल हम किसको बोलते हैं? पोर्टेबल चार्जर क्यों बोलते हैं? सो इट इज ऑल्सो मूवेबल लाइक दैट. Collection and transmission of contributions and instructions shall be through points of presence to the central record keeping agency. That is very obvious कि आप कुछ भी collect कर रहे हो या कुछ भी transmit कर रहे हो, मतलब कुछ भी आपके instruction है, तो आप CRA को तो दोगे, पर किसके through दोगे? This point of presence. There shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except market-based guarantee mechanism to be purchased by the subscriber. तो बोला क्या गया है कि ऐसे आपको कुछ अलग से हम special फायदे वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, जो market-based guarantee रहती है, ठीक है? कि आपको मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आपको 9% रिटर्न मिल रहा है, दैट इज एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा, तो दैट इज वॉट यू विल ऑल्सो गेट, ठीक है? As it is specified in the regulations, a subscriber shall not exit from the national pension system except as may be specified by the regulations. Once you have entered into NPS, आप अपनी मर्जी से एंटर करते हो NPS पे, पर आप अपनी मर्जी से एग्जिट नहीं कर सकते हो. एग्जिट आप किसके हिसाब से करोगे? रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है? आते मेरी मर्जी से है? नहीं, आते अपनी मर्जी से हो, जाते हो एनपीएस की मर्जी से. अब लास्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. द सब्सक्राइबर शैल परचेज एन एन्यूटी फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस. व्हाट डज दिस मीन? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मान लीजिए 50 लाख रुपए हो गए आपके, आप बोलो 50 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, रिटायरमेंट आ गया, आई वॉन्ट 50 लाख रुपीज, मुझे दे दीजिए, नहीं मिलेगा. इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एंड यू नीड टू बाय एंड यू नीड टू परचेज एन एन्यूटी प्लान, ठीक है? सो आपको उसी हिसाब से रिकरिंग पेमेंट्स मिलेंगी.
ठीक है, रेगुलेशंस में है, सर्टेन अमाउंट लमसम होता है. ओके, सो दैट इज हाउ आपको लेना पड़ेगा व्हेन एग्जिटेड. ठीक है, जब आप एनपीएस अकाउंट से बाहर निकल रहे हो, जब आपका वो टाइम आ गया है, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 21. आपको सेक्शन 20 क्या था हमारा, एनपीएस. अब सेक्शन 21 पे आते हैं. सेक्शन 21 क्या है, सीआरए, दैट इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कैसे बन सकती है, जो अथॉरिटी है इस एक्ट में, जो अथॉरिटी है इस एक्ट में, वो क्या करती है, एक सर्टिफिकेट देती है. सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, जब आप अप्लाई करते हो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है एंड दे अपॉइंट अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है. जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है. दिस इज द एग्जाम्पल दैट आईव रिटन आउट हियर. ठीक है, अब एजेंसी करती क्या है, एजेंसी के काम क्या है, छोड़ दो क्या लिखा है, आप बताओ क्या काम है. इनसे इंस्ट्रक्शन लेना, ठीक है, इनसे इंस्ट्रक्शन लेना, ये इंस्ट्रक्शन फंड मैनेजर्स दैट इज पेंशन फंड्स इनको देना, इंस्ट्रक्शन रिसीव करना, इंस्ट्रक्शंस ट्रांसमिट करना. डू यू एग्री, सीआरए क्या करिए, यही तो करिए. देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सब्सक्राइबर्स थ्रू द पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस. क्लियर, ट्रांसमिटिंग सच इंस्ट्रक्शंस टू पेंशन फंड्स. क्लियर, एफेक्टिंग स्विचिंग ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स. सो ये जो आपको मिलते हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स यही मेंटेन करिए, किसका कहां पे कितना फंड्स लगा है एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज बीइंग मेंटेन्ड हियर. तो जो हम लोग जैसे ही हम लोग शेयर स्विच करते थे, तो यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स इफेक्ट हो जाते थे ना इसी के थ्रू, वैसे ही अभी भी अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, स्विचिंग इंस्ट्रक्शंस, तो उसको इफेक्ट कौन लाता है, उसको कौन ट्रांसमिट करता है, उसको कौन बताता है, उसको कौन इन इफेक्ट लाता है, सीआरए. डिस्चार्जिंग अदर ड्यूटीज एंड फंक्शंस एज मे बी असाइंड. इसके अलावा दो छोटी छोटी और बातें, दो छोटी छोटी और बातें. सबसे पहले है रेगुलेटेड एसेट्स. सबसे पहले एक बात क्या बोली गई है, रेगुलेटेड एसेट्स. इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो कि हम लोग कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं. वो एसेट्स और प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड और लीज्ड और डेवलप्ड बाय द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी शैल कॉन्स्टिट्यूट रेगुलेटेड एसेट्स. अब रेगुलेटेड एसेट्स मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसका कंट्रोल किसी और के पास है, ये समझ लीजिए. दे आर रेगुलेटेड एसेट्स, दे आर बीइंग रेगुलेटेड, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स. ओके, सो वो एसेट्स हैं, वो एसेट्स हैं. And upon expiry of certificate of registration or earlier revocation thereof, the authority shall be entitled to appropriate and take over the regulated assets either by itself or through an administrator or a person nominated by it in this behalf. Iska matlab kya hai? See, this only means कि जितने भी assets इन्होंने develop किए सीआरए ने, ये उनके खुद के नहीं रहेंगे जब certificate of registration revoke हो जाता है. मतलब अभी आपको certificate दिया गया था, अभी हम आपको सारे records provide कर रहे थे, हम आपको funds provide कर रहे थे, आपके पास assets अच्छे खासे maintained है हमारे, वो क्या है, हमारे हैं, right? पर उससे जो भी आपने डेवलप किया है उसके लिए आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा. बट देयर विल बी नो कॉम्पेंसेशन इन केस आपने कोई वॉयलेशन किया तो. वट एवर एसेट्स यू आर डेवलपिंग, देयर रेगुलेटेड एसेट्स, दे विल बी टेकन बैक वंस द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिवोक्ड. ओके, बट अगर आपने ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने कुछ वॉयलेट किया, सी ऑफकोर्स आपको भी पता होगा कि कुछ भी करने के लिए अगर आपको सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है तो इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. अगर आप उन कंडीशंस को वॉयलेट करोगे आपका सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाएगा.
तो अगर आपने कोई कंडीशंस को वॉयलेट किया, आपका सर्टिफिकेट वापस ले लिया गया, आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। अदरवाइज जितने एसेट्स आपके हम ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। सी दिस इज केस टू केस। ओके, सो बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, दैट इज सेक्शन 22। सेक्शन 22, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का मतलब क्या है? अथॉरिटी इनको भी एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसके हिसाब से वो परमिट करते हैं एनी पर्सन टू एक्ट एज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग कंट्रीब्यूशंस। उनको कंट्रीब्यूशंस मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। कौन देता है? सब्सक्राइबर है। ये ऑल सिटीजंस के लिए अवेलेबल है ना, ये क्या हो गया? हमारा सब्सक्राइबर हो गया। ये सब्सक्राइबर क्या क्या देता है? ये सब्सक्राइबर एक तो कंट्रीब्यूशन देता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन भी देता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन भी देता है तो ये रिसीव करने के लिए हम इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हाट दे डू इज दे ट्रांसमिट इट टू सीआरए। दे ट्रांसमिट इट टू सीआरए एंड बैंक या पीओपी यहां पे क्या करता है? इनको क्या देता है? बेनिफिट्स। सो इनसे लेता क्या है? कंट्रीब्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन, और इनको देता क्या है? बेनिफिट्स। It will also act and function in accordance with the regulations. Okay. Moving on to next section, that is section 23, pension funds. Section 23, pension funds. Ye. So, यहाँ पे भी आपको certificate चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी अथॉरिटी क्या करती है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है एंड इट परमिट्स वन और मोर पर्सन टू एक्ट एज पेंशन फंड। अब ये लोग क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू रिसीव द कंट्रीब्यूशन, दे आर गोइंग टू एक्यूमुलेट देम, दे आर गोइंग टू मेक पेमेंट्स, ठीक है? एक बात सुनिएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द पेंशन फंड्स विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी। एटलीस्ट One of the pension funds will be a government company. Government company क्या होती है? 51% or more. Government company according to Companies Act. So 51% or more, जिसके पास क्या होता है? Stake होता है, either held by state government, central government or jointly by both. Right? So उसको हम क्या बोलते हैं? एक government company। तो कम से कम out of these options available, इतने pension funds हैं, इतने persons who are acting as pension funds, तो उसमें से कम एक government company होगी, okay? इनका काम क्या होता है? हमने समझ लिया, ठीक है? And ये function कैसे करेंगे? They will also function in accordance with the terms of certificate of registration and the regulations that are made under the act. Moving on to next section, section 24. फॉरेन कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। फॉरेन कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, लाइकवाइज हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। पहले मैं हमारे ऊपर का रिस्ट्रिक्शन आपको बताती हूँ। ये जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो, सब्सक्राइबर से हमने पैसे लिए हैं पेंशन फंड में, तो ये जो सब्सक्राइबर से हमने पैसे कलेक्ट किए हैं, ये पैसे हम आउटसाइड इंडिया नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ये पैसे हम आउटसाइड इंडिया नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अब लेट्स टेक इट ऑपोजिट। क्या पेंशन फंड का इन्वेस्टमेंट फॉरेन हो सकता है? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन पेंशन फंड? हो सकता है, अलाउड है। हम सब्सक्राइबर के फंड्स को इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट इज रिटन इन सेक्शन 25। कंप्लीट प्रोहिबिशन है ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आउटसाइड इंडिया, बट लुक एट द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फॉरेन कंपनीज या फिर जो भी और इंडिविजुअल्स है, उन लोगों का क्या रिस्ट्रिक्शन है ये जरा पढ़िएगा। द एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द पेंशन फंड शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ सच फंड और सच परसेंटेज एज मे बी अप्रूव्ड बाय इंडियन इंश्योरेंस कंपनी under the provisions of Insurance Act, whichever is higher, 26 or 49. So, इस समय 49 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? चलो,
कहने का मतलब ये है, इतनी सारी आपकी कंपनीज हैं, एज आई टोल्ड यू, मान लीजिए LIC पेंशन फंड है, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, ICICI, कोटक, HDFC, इसमें ये क्या है? ये क्या है? एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, तो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे, इस कंपनी की अपनी इक्विटी होगी, इस कंपनी की जो इक्विटी है उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो किसने इन्वेस्ट किया है? ये जो फॉरेन होल्डिंग है हम इसकी बात कर रहे हैं। आपकी पेंशन फंड है मतलब इट इज अ कंपनी, एक कंपनी है जिसको हम पेंशन फंड बोल रहे हैं या फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो कंपनी है इसमें स्टेक है, तो इसमें फॉरेन स्टेक कितना हो सकता है? द मैक्सिमम अलाउड एक्ट में लिखा है 26% या फिर सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के एलिजिबिलिटी नॉर्म, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। कुछ नहीं लिखा हुआ है सेक्शन 26, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब भी आप पेंशन फंड बनना चाहते हो, आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनना चाहते हो या आप सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बनना चाहते हो, तो आपको एलिजिबल होना जरूरी है। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा कहाँ है? ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेगुलेशंस में लिखा है, और इस एलिजिबिलिटी में बहुत सारे और फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे ज्योग्राफिकल रीच। आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनना चाहते हो, सपोजेडली लेट्स टेक से फॉर एग्जांपल कोई भी एक एक्सिस बैंक, विच इज एक्चुअली द ट्रस्टी बैंक ऑफ, बट से मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ एक्सिस बैंक सपोजेडली, तो हम चेक करेंगे कि ज्योग्राफिकल रीच कितनी है। जितनी ज्यादा ज्योग्राफिकल रीच होगी उतने ज्यादा आप एलिजिबल होगे, सो दिस ऑल्सो हैज टू बी चेक। सो ज्योग्राफिकल रीच इट कैन बी कस्टमर बेस, इट कैन बी द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इट कैन बी योर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड to provide guaranteed returns, ठीक है, it can be your information technology capability, आप IT में कितने expert हो, आपके HR कितने अच्छे हैं, and other matters as may be prescribed. So बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे factors हो सकते हैं, ये eligibility criteria है which determines whether you are eligible to become POP, CRA or fund manager or not. So ये तीन main हमारे पूरे process के you can say major role जो play करते हैं, ये तीन entities हैं, पीओपी, सीआरए एंड फंड मैनेजर। कंसेप्ट क्लियर हुआ है? अथॉरिटी आपको पता है कौन होते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपको पता है कौन होते हैं, आपको पता है कि पेंशन अकाउंट क्या होता है, इंटरमीडियरी की अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडियरी ये सारे के सारे हैं। इंटरमीडियरी क्या है? ये सारे के सारे हैं। कोई भी पर्सन जो इसमें जुड़ा हुआ है, कोई भी पर्सन, कोई आता है आपको एडवाइस देता है, एडवाइजर, वो भी क्या है? इंटरमीडियरी है। आपसे उस फंड तक जोड़ने वाले सारे लोग क्या हैं? इंटरमीडियरी हैं। यू नो व्हाट नेशनल पेंशन सिस्टम इज? इसके अलावा अदर देन दिस यू हैव नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीआरए है, अगर आप फिर से उसकी बात करो तो हर अधिकार को भी हम रेगुलेटेड एसेट बोलते हैं, हर अधिकार को भी हम रेगुलेटेड एसेट बोलते हैं। सो इनके पास जो डेटा मेंटेन्ड है, इनके पास जो अधिकार है टू एक्सेस दैट डेटा, दैट इज नॉट देयर्स, दे आर रेगुलेटेड एसेट्स, ओके, राइट, समझ में आया? चलो इसके अलावा इफ आई टेल यू कुछ एक दो छोटी सी बातें, एनपीएस ट्रस्ट। अब एनपीएस ट्रस्ट क्या होता है? एनपीएस ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता क्या है? कोई भी ट्रस्ट क्या होता है? कोई भी ट्रस्ट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरीज, है ना, उसका एक ट्रस्टी होता है जो उसका देखभाल करता है ना, और वो बनाते हैं हम बेनिफिशियरीज के लिए। यहां पे बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं? सब्सक्राइबर्स। सो सब्सक्राइबर्स आर द बेनिफिशियरीज। और ट्रस्ट क्या होता है?
जो पूरा फंड है, आप देखो हर एक फंक्शन ना अलग अलग लोग कर रहे हैं, कलेक्शन अलग कर रहा है, ट्रांसमिट अलग कर रहा है, ये मैनेज फंड्स को अलग कर रहा है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट का पार्ट अलग है, तो ये क्या है, सब अलग अलग कर रहे हैं। जो एक्सेल करते हैं अपने अपने फील्ड्स में, उनको उनको वो काम असाइन किया गया है, एक अथॉरिटी नहीं है जो ये सारे काम कर रही हो, ठीक है, बट इट इज ऑल रेगुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, इट इज ऑल रेगुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। लाइकवाइज यू हैव एनपीएस ट्रस्ट ऑल्सो, एनपीएस ट्रस्ट ऑल्सो हु लुक्स आफ्टर ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड, ठीक है, तो वो बेनिफिशियरी के हिसाब से मैनेज करते हैं। अब जब आप एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट करोगे और आप जाओगे, तो आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी वगैरह सारी चीजें समझ में आएंगी। इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली एक्सप्लोर, तो आपको मैं वेबसाइट बताती हूँ, द शॉर्ट फॉर्म PFRDA.org.in, ये क्या है, वेबसाइट है, इसमें आप जा सकते हो और देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। यू विल ऑल्सो गेट द होल स्ट्रक्चर, चेयरमैन होता है, उसके बाद होल टाइम मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स होते हैं, तो सारा का सारा कैसे फंक्शन करता है आपको आइडिया मिल जाएगा। बट एज फार एज योर करिकुलम, एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग दैट वी नीड टू, एंड सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।